शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनिजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए। अनिजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। श्री श्याम दोस्तों, बोलो रतनगढ़ वाली मैया की जय, किला देवी मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, बालाजी महाराज की जय। और दोस्तों 9 दिन 9 एपिसोड और नवदुर्गा महोत्सव प्रोग्राम में मैं विवेक शर्मा आप सभी ग्वालियर वासियों का और सभी चंबल संभाग वासियों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज दूसरा दिन है और नवदुर्गा महोत्सव प्रोग्राम आप सभी ग्वालियर वासियों के लिए लेकर आया हूँ और हमारे कार्यक्रम के मेन स्पॉन्सर हैं अनेजा मॉल ग्वालियर। ICICI बैंक के ठीक बगल में है अनेजा मॉल ग्वालियर, एलिस व्हीकल, सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर और विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है जिला पंचायत सदस्य और वन समिति अध्यक्ष गिरिराज सिंह यादव जी और अलवेल सिंह घुरैया जी और मुकेश धाकड़ जी के सहयोग से ये प्यारा सा कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आया हूँ डैन 158 नंबर चैनल पर और GTPL पर 52 नंबर चैनल पर। आप ये कार्यक्रम रात 8 बजे से आप देख सकते हैं। चंबल संभाग के सभी प्रसिद्ध देवी मंदिर के दर्शन आपको मैं कराऊंगा और अभी यानी कि आज दूसरा दिन है और हमने शुरुआत कर दी है आज माँ रतनगढ़ धाम की यात्रा की। और आज के एपिसोड में आपको मैं दर्शन कराऊंगा माता रतनगढ़ वाली मैया की और जंगल में यानी कि बीच घने जंगलों के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पर हैं हम माँ रतनगढ़ वाली। और इस वक्त अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ उटीला ग्राम में। उटीला ग्राम तक हम पहुँच चुके हैं बारादरी से, उटीले की तरफ अपन आते हैं उरावली वाले रोड से सीधे भदावने वाले रोड पर आएंगे तो उटीला ग्राम पड़ता है और उटीले में बांगी में श्री खाटू श्याम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम कल हुआ था और बाबा खाटू श्याम का ये भव्य मंदिर स्थापित होने वाला है और बनने वाला है और कल भूमि पूजन हो चुका है जिसमें जितेंद्र शर्मा जी, घनश्याम गुर्जर जी और मनमोहन पाठक जी और सभी ग्रामवासी सहयोग कर रहे हैं बाबा के इस मंदिर में। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं और लेकर चलता हूँ आपको माँ रतनगढ़ वाली धाम पर और माता का ये प्रसिद्ध मंदिर रतनगढ़ वाली मैया के धाम पर चलते हैं। मेरे साथ में आज हमारे मैनेजर चंदन बरैया जी कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं और चलते हैं सीधे बाय रोड रतनगढ़ वाली मैया के धाम पर। माता दी दोस्तों और उटीला से होते हुए बाय रोड अब हम पहुँच चुके हैं हस्तनापुर। हस्तनापुर पर यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये हस्तनापुर थाना है, आप देख रहे हैं सामने, ये हस्तनापुर थाना और ये हस्तनापुर ग्राम है और अभी होटल पर रुके हुए हैं और थोड़ा सा हमारे चंदन भैया को चाय का थोड़ा चस्का ज़्यादा है तो चाय के लिए हम यहाँ पर रुके हैं भैया की दुकान पर। यहाँ पर चाय, नाश्ता वगैरह सब कुछ मिलेगा। भैया चाय कैसी वाली बनाते हो, पेरेंट वाली? पेरेंट वाली, पेरेंट वाली, मतलब आदमी को अगर नींद आ रही हो तो नींद बिल्कुल खुल जाए। अरे टन नहीं जाएगा, टन में अच्छा हाँ। तो यहाँ से रतनगढ़ कितनी किलोमीटर है? यहाँ से 30 किलोमीटर। यहाँ से 30 किलोमीटर जी, रतनगढ़ हस्तनापुर से यहाँ से 30 किलोमीटर। और मेरे साथ में अंकल जी भी यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी कहाँ से हैं आप? लाहौर से हैं। लाहौर से हैं आप, तो लाहौर में भी आप देख सकते हैं, लाहौर में भी कई लोग देखते हैं प्रोग्राम। और हमारे गोपाल गुप्ता जी भैया हैं वो भी हमारे बड़े भाई हैं मीडिया कर्मी। तो अब यहाँ से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो पहले चाय और चाय के बाद सीधे आगे चलते हैं माँ रतनगढ़ वाली धाम पर। डैन GTPL और ग्वालियर मेला महोत्सव की गाड़ी अब पहुंच चुकी है रतनगढ़, यानी ये रतनगढ़ वाली माता का ये द्वार 16 किलोमीटर महज 16 किलोमीटर यहां से मंदिर दूर है। और चलिए दोस्तों अब यहां से यात्रा शुरू होने वाली है रतनगढ़ मैया के धाम की
और आपको दर्शन कराएंगे सभी चंबल संभाग वासियों को और सभी मध्य प्रदेश के लोगों को दतिया जिले की प्रसिद्ध मैया रानी जो जंगल में निवास करती हैं, माता रतनगढ़ के दर्शन। चलिए अब आपको बाय रोड लेकर चलते हैं और हमारी गाड़ी भी रेडी खड़ी है जाने के लिए, तो चलिए गाड़ी से चलते हैं सीधे रतनगढ़ धाम, रतनगढ़ वाली मैया के धाम पर। और चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, बोलो रतनगढ़ वाली मैया की। अरे चंदन भैया आप भी तो बोलो, बोलो रतनगढ़ वाली मैया की। हाँ चलिए आज हमारे कैमरामैन चंदन भरैया जी और आपको लेकर चलते हैं माता के धाम पर। ये रास्ता यानी कि 16 किलोमीटर दूरी का ये रास्ता तय कर रहे हैं और रतनगढ़ मैया के धाम पर जिला दतिया का ये प्रसिद्ध मंदिर और जंगलों से होते हुए यानी कि नीलगाय और खरगोश शेर चीते देखते हैं वैसे नहीं मिलेंगे पर जंगल में, हाँ जंगल में अपने भक्तों का मंगल करती हैं मैया रतनगढ़ वाली। और मैया रतनगढ़ वाली धाम पर आपको लेकर जा रहे हैं, ये पूरा रास्ता जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं GTPL डैन और YouTube और Facebook और Instagram पेज पर आप देख रहे हैं। 9 दिन 9 एपिसोड आप सभी ग्वालियर वासियों के लिए और सभी चंबल संभाग और मध्य प्रदेश के सभी वासियों के लिए ये 9 दिन 9 एपिसोड नवदुर्गा महोत्सव प्रोग्राम, आप ही का अपना वाला प्रोग्राम ग्वालियर मेला महोत्सव 2023 की पूरी टीम के साथ। मैं विवेक शर्मा और हमारे कैमरामैन की भूमिका आज निभा रहे हैं हमारे मैनेजर चंदन भरैया जी और हमारे मुख्य कैमरामैन बबली माहौर और सिनेमाटोग्राफर अनुराग झा और एडिटिंग स्टूडियो अदिति एडिटिंग स्टूडियो शेरू कुशवाहा जी और प्रोडक्शन का इंचार्ज संभाला है वैष्णो प्रोडक्शन स्टूडियो कोटेश्वर। ये हम आ चुके हैं रतनगढ़ मैया के द्वार पर और ये जो रोड देख रहे हैं ये रोड सीधे डबरा के लिए गई है और ये पीछे वाली रोड है जो ये बैहट और ग्वालियर के लिए ये रोड गई है और ये द्वार आपको मिल जाएगा और द्वार से शुरुआत होती है माता रतनगढ़ धाम की। और चलिए आपको लेकर चल रहे हैं और आपको दर्शन कराएंगे रतनगढ़ मैया के और मैया के दर्शन कर कर अभी एक फैमिली भी आई है यहाँ पर। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? पार गांव से आए हैं आप लोग, तो माता के दर्शन कर लिए आपने? नाम है भैया अपना? भगवान सिंह बंजारा। भगवान सिंह बंजारा जी, तो माता के दर्शन कर लिए फिर फैमिली के साथ? सब कर लिए बढ़िया। और भाभी जी आपने भी कर लिए? कर लिए। और आपने भी गुड़िया? सब करके आए। बोलो रतनगढ़ वाली मैया की जय। तो एक आपको दे देता हूँ, एक आपके लिए है अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से ये माता की चुन्नी और भैया एक आपके लिए है अनेजा मॉल ग्वालियर, ये ICCI बैंक के ठीक बगल में है। अच्छा। और भाभी के लिए कभी भी आप साड़ी लेने जाएं ना तो एक बार अनेजा मॉल पर अवश्य जाएं, अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से। और मेला महोत्सव का नाम लेंगे ना तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। बोलो रतनगढ़ वाली मैया की जय। और अब माता के धाम के रास्ता शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल घना जंगल, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंदन भैया दिखाइए, ये घना जंगल दोनों ओर जंगल है और गाड़ियां आती हुई माता के दर्शन करके लौट रहे हैं लोग और हम आपको बस कुछ ही पलों के बाद माँ रतनगढ़ वाली मैया के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराऊंगा घर बैठे सभी ग्वालियर वासियों को और सभी मध्य प्रदेश वासियों को। और गाड़ियां ये मुरैना की गाड़ी है यानी कि पूरे मध्य प्रदेश से लोग यहां पर आते हैं दर्शन करने के लिए और मैया सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। घाटी चालू हो चुकी है और इस घाटी से उतरते हुए आप देख रहे हैं और सीधे मैया के धाम पर ये रास्ता
गया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैया का धाम आपको यहाँ से दिख रहा है। और ये देखिए, ये बिल्कुल घने जंगल के बीचों बीच स्थित है माँ रतनगढ़ वाली का ये मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे राइट हैंड पर चंदन भैया, ये देखिए घने जंगलों के बीचों बीच। आ चुका है और ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर ये गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। और ये माता का ये मेला लगा हुआ है। ये पीछे ये ग्वालियर वाले रास्ते से हम आए हैं और नीचे दतिया वाला रास्ता भी आपको दिखाएंगे। ये माइक चालू है क्या? नहीं है तो वो। और ये माता के मंदिर पर पहुंचने ही वाले हम, और ये मेला लगा हुआ है। ये प्रसादी की दुकानें लगी हुई हैं, ये ग्वालियर की तरफ से हम आते हैं तो ये प्रसादी की दुकानें और मेला। रतनगढ़ वाली मैया की जय। और रतनगढ़ धाम पर हम पहुंच चुके हैं और मेले की शुरुआत, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दतिया और इंदरगढ़ वाला ये रास्ता है। यहाँ से भी माता के धाम पर आप आ सकते हैं, डबरा होते हुए भी यहाँ पे माता के धाम पर आ सकते हैं। और यहाँ पर ये यानी मेले की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आज दूसरा दिन है और छठवीं और सप्तमी और नौमी पे बहुत विशाल मेला लगता है। आप देख सकते हैं ये रेलिंग लगी हुई है यहाँ से लेकर सीधे पुल तक। हाँ, जो पानी का पुल बना हुआ है, जो नदी का पुल बना हुआ है, वहाँ से और यहाँ तक लाइनें लगी रहती हैं माता के धाम पर। और यहाँ पर ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ से दतिया कहाँ कहाँ की गाड़ी मिलती है? दतिया, डबरा, ग्वालियर, दतिया, ग्वालियर, डबरा, सब जगह की गाड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं। भिंड, भिंड तक जहाँ चले जाओ, लार चले जाओ, रही चले जाओ। और सप्तमी अष्टमी पर कितनी भीड़ रहती है? बहुत बहुत भारी भीड़ है, बहुत भारी भीड़ रहती है, कर्री भीड़ होती है, बहुत भारी भीड़ रहती है। और ये ऑटो स्टैंड है और ऑटो स्टैंड से अब आपको लेकर चलता हूँ यज्ञ स्थान पर और कंट्रोल रूम पर। दोस्तों यहाँ पर ये मेले की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ माता की तस्वीरें भी मिलेंगी, माता के लॉकेट मिलेंगे और साथ में ये सिंदूर भी आपको मिल जाएगा। ये भैया की दुकान है। भैया कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से आए हो? आलमपुर से हैं सर। आलमपुर से? हाँ। तो कितने दिन रहोगे यहाँ पे? यहाँ अभी नवरात्र भर रहता हूँ, पूरे नवरात्रि तक। हाँ। पूरे विद फैमिली के साथ? हाँ, हाँ। खाना पीना सब यहीं पे बनाते हैं? ओके है, दुकान भी है अपनी है। अच्छा, दुकान भी है आपकी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ग्वालियर तो आना जाना होता होगा? रहता है ना आना जाना। मालनपुर में अपना काम है। अच्छा, मालनपुर कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, नाम है अपना आसाराम राठौर। आसाराम राठौर जी, तो ग्वालियर जाएं तो शादी हो चुकी है ना आपकी? हाँ, दो बच्चे। तो भाभी जी को अब आप शॉपिंग कराएं ना, तो ग्वालियर में ICICI बैंक के ठीक बगल में है, महाराज बाड़े पर, गांधी मार्केट के ठीक सामने, अनेजा मॉल एंड सन्स, उनकी ओर से एक आपके लिए ये शानदार उपहार। और शॉपिंग कराने जाते हैं, केवल मेला महोत्सव का नाम लेना तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। खाने पीने का भी प्रबंध, यानी कि नाश्ते की भी दुकान और खाने की दुकान भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये मेले का नज़ारा जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ आपके लिए यहाँ अवेलेबल है।